सो टूडे वी विल डिस्कस द बायो केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर जो कि जुलाई टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन पेपर है एंड ये सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है सो so, uh, ये जो क्वेश्चन पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का सो so, सबसे पहले हम सेक्शन्स देख लेते हैं सबसे पहले जो है सेक्शन ए होता है जिसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन के अंदर पाँच पार्ट्स होते हैं सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी पाँच पार्ट्स होते हैं एंड ये सभी क्वेश्चन का हमें बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना होता है मैक्सिमम ट्वेंटी वर्ड्स का ये सारे क्वेश्चन जो है ये टू टू मार्क्स के होते हैं सो टोटल जो है सेक्शन ए ट्वेंटी मार्क्स का होता है देन आता है सेक्शन बी सेक्शन बी के अंदर तीन क्वेश्चन होते हैं टेन टेन मार्क्स के जिसमें से हमें टू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं सो टोटल सेक्शन बी जो है ये भी ट्वेंटी मार्क्स का होता है देन आता है सेक्शन सी इसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन पाँच पार्ट जिसमें से हमें चार पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं सेकेंड क्वेश्चन चार पार्ट जिसमें से हमें तीन पार्ट अटैम्प्ट होते हैं सो टोटल सेक्शन सी जो है वो थर्टी फाइव मार्क्स का हो गया तो so, सबसे पहले देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर वन सो इसका ए पार्ट है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए टी पी सो इसके अंदर आपको लिखना है कि ए टी पी की जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ए टी पी की क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें इसके अंदर लिखना है सेकेंड है ग्लूकोनियोजेनेसिस सो so इसकी डेफिनेशन लिख देंगे इसके अंदर थर्ड है डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन डी डेफिशियसी सो विटामिन डी की डेफिशियसी से जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसके अंदर लिखने हैं नेक्स्ट है गाउट डिजीज़ सो इसके अंदर गाउट डिजीज़ के बारे में लिखना है कि हाँ ये क्या होती है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं नेक्स्ट है को एनजाइम सो कोजाइम की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स लिखने हैं सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिबिशन ऑफ इन्जाइम सो इसके अंदर एग्जाम्पल देना है कॉम्पिटेटिव इनिबीशन ऑफ एनजाइम का नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसलेशन इसके अंदर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन देनी है नेक्स्ट है जॉन्डिस जॉन्डिस डिजीज है तो इसका डिजीज में क्या होती है डिजीज़ इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये सब इसके अंदर बताना है देन सिम्टम्स ऑफ जी सिक्स पी डी ये होता है ग्लूकोज सिक्स पॉस्पिट डिहाइड्रोजन डेफिशियंसी सो इस डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो इसके अंदर लिखना है देन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के Uh, क्या डेफिनेशन होती है जिसके एग्जाम्पल्स जो है वो इसके अंदर लिखने हैं देन आते हैं सेक्शन बी सेक्शन बी के अंदर तीन क्वेश्चन है जिसमें से दो क्वेश्चन करने हैं पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स एड अ नोट स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए सो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिखनी है उसका क्लासीफिकेशन लिखना है साथ ही साथ जो भी उसके एग्जाम्पल्स हैं वो लिखने हैं दे स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए डी एन ए का जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द पाथवे एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सो इसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है मतलब इसके अंदर क्या चीज़ किस में कन्वर्ट होती है सबसे पहले ये लिखना है देन इसका कंप्लीट पाथवे बनाना है देन स्टेप बाय स्टेप उसे एक्सप्लेन करना है एंड फाइनली सिग्निफिकेंस लिखना है सिट्रिक एसिड साइकिल का नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल अबाउट यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर्स सो यूरिया साइकिल इसका क्या फंक्शन रहता है सबसे पहले वो लिखना है देन ये पूरी साइकिल लिखनी है देन स्टेप बाय स्टेप जो है इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है एंड फाइनली जो यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स होते हैं वो लिखने हैं देन आता है सेक्शन सी सेक्शन सी के क्वेश्चन वन फाइव पार्ट्स में से फोर पार्ट्स करने हैं सो फर्स्ट इज एनर्जी रिच कंपाउंड सो इसमें आपको एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में लिखना है और उसके एग्जाम्पल्स देने हैं सेकेंड ग्लाइकोजीनोलाइसिस सो ग्लाइकोजीनोलाइसिस एक साइकिल है सो so इसमें आप अपनी कंप्लीट साइकिल बना दें और उसके अंदर थोड़ा बहुत स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दे नेक्स्ट है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पामिटिक एसिड सो पामिटिक एसिड का जो डी नोवो सिंथेसिस होता है ये भी एक कम्प्लीट पाथ में होता है तो इसके अंदर उसके बारे में बताना है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम सो इसका क्या स्ट्रक्चर रहता है वो इसमें लिखना है देन लास्ट है नॉमिन क्लेचर एंड आई यू बी क्लासीफिकेशन ऑफ एनजाइम्स सो एनजाइम्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी है उसका क्या नॉमिन क्लेचर मतलब नेमिंग कैसे होती है एनजाइम्स की एंड इसका जो आई यू बी क्लासीफिकेशन है वो लिखना है इस क्वेश्चन में देन लास्ट आता है सेवंथ क्वेश्चन जिसके अंदर चार पार्ट्स है जिसमें से तीन पार्ट्स करने हैं सो फर्स्ट पार्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स सो इसके अंदर लिपिड्स डेफिनेशन लिखेंगे लिपिड्स का क्लासिफिकेशन लिखना है साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स है उसके वो लिखने देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन एंड इट्स मैकेनिज्म सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराशन भी एक पाथवे है सो पाथवे लिखना है और तो उसका जो कंप्लीट मैकेनिज्म है है वो लिखना देन आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स सो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में इसके अंदर लिखना है एंड फाइनली है एंजाइम काइनेटिक्स एंजाइम के काइनेटिक्स के जो भी टाइप्स होते हैं वो सब यहाँ पर लिखने हैं सो so, ये है कंप्लीट बायो केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर